दोस्तों इस चारपाई में ये डिजाइन अलग तरीके से बुनकर बताई जाएगी, तो देखिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं मुन्ना और आप देख रहे हो धनतेज हस्तकला केंद्र। आप सभी प्यारे प्यारे कला प्रेमियों का धनतेज हस्तकला में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बिना वक्त जाए किए आइए काम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों अलग अलग कलर की दूरी में तारे खींचे हैं और ये है चार पाई का सेंटर पॉइंट। देखिए पांच पांच कपल हमने लिए हैं। ये जो ब्लैक कलर की जैसे देख रहे हो ये चार पाई का सेंटर है और ये आप देख रहे हो ये इसका सेंटर है। यहाँ से डिजाइन शुरू करेंगे हम। यहाँ पे डिजाइन आएगी और यहाँ पे ऐसे मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों हमने एक एक्टर रस्सी ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने पांच पांच कपल लिए हैं ताने में। यहाँ पे डिजाइन करेंगे और यहाँ पे डिजाइन करेंगे। ये जो पांच कपल है उसमें से बीच वाला कपल ले लेंगे हम। दो इस तरफ छोड़ देंगे और दो इस तरफ छूट गए। ये बीच वाला कपल लिया। देखिए दोस्तों आपको बुनियाद से जानकारी दे रहा हूँ। देखिए हमने इस तरह से बीच वाला कपल ले लिया है और हम चार कपल ऊपर और चार कपल नीचे इस तरह से डिजाइन करेंगे। ये बीच वाला कपल है, उसके बाद हम चार कपल लेंगे। एक दो तीन चार, ठीक है। देखिए इस तरह से चार कपल ऊपर और चार कपल नीचे। पूरे ध्यान से देखना दोस्तों, आपको शुरुआत से बता रहा हूँ। देखिए चार कपल ऊपर और चार कपल नीचे, एक दो दो और दो चार, ठीक है। और फिर चार लिए। देखिए दोस्तों ये सेंटर में से हमने एक कपल लिया, इर्द गिर्द हमने दो दो कपल छोड़ दिए हैं दोस्तों। और उसके बाद चार कपल नीचे चार ऊपर इस तरह से लिया है। और इसके बाद अब इस दूरी से डिजाइन बनाएंगे। तो क्या करना है आपको, इस तरह से इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, हल्की फुल्की गेरा लगा देंगे। देखिए दोस्तों और हम इसको वापस खींच लेते हैं। देखिए देखिए दोस्तों अब यहाँ से हमने चार बार के ऊपर इधर लिए हैं इस तरह से। यहाँ पे रिपीट करना है आपको। देखिए दोस्तों चार, देखिए चार नीचे कर दिए चार ऊपर लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए सेम कलर की दूरी आएगी। देखिए और बाद में हम चार लेंगे, चार नीचे, एक दो तीन चार ऊपर, फिर बाद में चार चार। देखिए दोस्तों गौर से देखना दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे तीन कपल नीचे आए थे, यहाँ पे भी तीन कपल नीचे आए। देखिए दोस्तों इसके बाद चार कपल ये दोस्तों। अब ये है चार पाई का सेंटर पॉइंट ब्लैक कलर में। तो उसमें क्या करना है आपको, जितने कपल इस तरफ छूटे उतने इधर भी आने चाहिए ताकि ये वाली डिजाइन यहाँ पे रिपीट हो पाए। तो हम तीन ऊपर लेंगे देखिए, ताकि ब्लैक वाला एक इधर आ जाए और एक इधर आ जाए। देखिए और यहाँ सेंटर से आपको ये जो डिजाइन बनाई है जिस तरह से हमने उस तरह से यहाँ पे रिपीट करना है। देखिए एक दो तीन चार, चार नीचे चार ऊपर, चार नीचे चार ऊपर, चार नीचे, एक दो तीन और चार नीचे, और ये आया एक कपल ऊपर जो हमने यहाँ पे लिया है। देखिए दोस्तों इस तरह से चार चार कपल लेंगे हम। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी तीन कपल नीचे छूटे हैं इस तरह से।
यहाँ पे भी तीन कपल ले चुके हैं। अब हम घुंडी लगा देंगे दोस्तों, इसको यहाँ से इस तरह से इसमें घुंडी लगा देंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको कम पड़ता है तो हम इस तरह से इसमें एक्स्ट्रा घुंडी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए अब हम यहाँ से जो लहर बनाएंगे वो इस तरह से जानी है। तो इस तरह करने के लिए हमको आपने यहाँ पे पहले तीन कपल नीचे थे, तो उसके बदले अब हम दो नीचे रख देंगे, एक दो तीन चार, और आपको बाद में चार चार कपल लेना है। देखिए दोस्तों इस तरह से आएगी, देखिए चार चार कपल इस तरह से लेना है। देखिए अब यहाँ पे सेंटर में हमने पहले एक कपल उठाया था, अब यहाँ पे हम तीन कपल उठाएंगे और ये वाला यहाँ पे रिपीट किया जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम एक दो तीन कपल लेंगे, तीन कपल ऊपर लिए इस तरह से, आप देख सकते हो इस लेयर इस तरह से जा रही है। देखिए चार कपल ऊपर चार नीचे, बाद में चार कपल ऊपर चार नीचे और चार कपल ऊपर। देखिए इस तरह से अभी आएगा सेंटर जहाँ पे हमारी डिजाइन बनेगी। पहले हमने एक कपल था, अब उसके बाद हम एक कपल को नीचे लगा देंगे। देखिए इस तरह से दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, देखिए इधर देखिए, ये और ये दोनों सेम आना चाहिए, कलर भी सेम आएगा दोस्तों, डिजाइन भी सेम आएगी, क्योंकि तो हमने ये नाप तोल के मेजरमेंट से काम किया है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखना, चार कपल नीचे चार ऊपर, चार नीचे चार ऊपर, और यहाँ पे सेंटर में अब दोस्तों हम तीन कपल नीचे रखेंगे, एक दो तीन। अब हमारी डिजाइन की शुरुआत हो चुकी है, देखिए बाद में फिर चार चार कपल लेना है, सिर्फ यहाँ पे तीन कपल लिए, बाकी हम चार चार कपल लेंगे। अगर लाइक करना भूल गए हो तो लाइक कर दीजिए, मैंने आपको याद दिला दिया लाइक करना। देखिए दोस्तों अब हम तीन कपल नीचे रखेंगे, एक दो तीन, और ये सेंटर वाला लेंगे जिस तरह से वहाँ पे हमने किया, बाकी हम ये चार चार कपल। दोस्तों देखिए हमने यहाँ तक बुनाई कर दी है, और ये जो हमने एक्स्ट्रा झंझीर बनाई है डबल चेन, उसको हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए कैसी मोड़नी है वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस तरह से, पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने कि जो डबल चेन है वो इस तरह भी जाएगी, और कैसे मोड़ी जाती है वो बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप पूरे ध्यान से देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से मोड़ेगी, और यहाँ पे हमने थोड़ी जगह रखी है, यहाँ पे आएगी इस तरह से। और ये डबल चेन किस तरह से
बनाई जाती है वो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जरूर देखना। देखिए दोस्तों इस तरह से मोड़ दी जाएगी। चलो बस देखिए दोस्तों चार चार कपल, और अब हम जो सेंटर में है यहाँ पे तीन कपल और बाद में एक को नीचे रखेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों गौर से देखना, चार कपल। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे आकर अब हम फूल की शुरुआत करेंगे। अब क्या करना है आपको, एक कपल ऊपर लिया देखिए, और उसके बाद एक कपल नीचे रख लिया और चार कपल लिए। देखिए दोस्तों ये जो फूल है यहाँ से अंदर मुड़ेगा और यहाँ कुछ हम अलग बनाएंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से डाल लिए, और जो हमने ये एक दबाया था अब उसको ये दो दबा कर दो ऐसे रहना है। देखिए दोस्तों ये दो ऊपर लेंगे और दो नीचे दबाएंगे, और ये सेम यहाँ पे रिपीट करेंगे। देखिए दोस्तों दो दबाए थे अब हम नीचे तीन दबाएंगे और इस तरह से तीन उठाएंगे। देखिए दोस्तों और बाद में एक लिया तीन दबाए इस तरह तीन उठाए और बाद में हमने इस तरह से लेके चार। देखिए अब दोस्तों हम चार नीचे रखेंगे, पहले तीन रखे थे चार नीचे रखेंगे और चार ऊपर लिए इस तरह से, और ये पांच नीचे छिपा देंगे। ठीक है दोस्तों चार हो गए, अब इसके बाद हम पांच नीचे छिपाएंगे और इस तरह से पांच उठाएंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच हो गए, पाँच नीचे रखे थे अब हम छः नीचे रखेंगे और छः उठाएंगे। देखिए यहाँ पे भी इस तरह यहाँ पे एक फूल बन गया है और यहाँ पे इस तरह से डिजाइन बनी है। देखिए ध्यान से देखना दोस्तों, देखिए अब हमको क्या करना है दोस्तों कि ये एक कपल को हम इस तरह से कर देंगे और ये इस तरह से ले लेंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच और छः कपल नीचे रख दिए, उसके बाद ये जो सेंटर वाला है कपल उसको ऐसे उठा लेंगे और इसको नीचे रख देंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और एक के ऊपर नीचे इस तरह से। देखिए एक कपल नीचे रख दिया, ये सब उठा लिए, ये नीचे छुपाया और सेंटर वाला कपल हमने एक उठा लिया।
देखिए दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे एक कल लिया था, उसके बाद हम यहाँ पे तीन कपल लेंगे इस तरह से। देखिए ये डिजाइन जो दिखते हैं ये फूल दिखता है वो यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे हमने एक लिया था तो अब तीन इस तरह से उठाएंगे। देखिए देखिए दोस्तों आप समझ पा रहे हो किस तरह डिजाइन बन रही है, आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ एक एक दोरी। अब हम पहले एक दबाए फिर तीन कपल दबाए, अब हम पांच कपल लगाएंगे जैसे यहाँ पे है, और इसमें एक लेंगे इस तरह से और यहाँ से हम पांच कपल लेंगे। दोस्तों ध्यान से देखना, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों अब हम तीन कपल नीचे रखेंगे और ये कपल एक ऊपर लेंगे, देखिए, और यहाँ पे भी तीन कपल उठाए और एक कपल जो सेंटर वाला है इसको नीचे रख दिए, देखिए एक ऊपर लिया तीन कपल लिए और ये आ गया चार पाई का सेंटर पॉइंट। देखिए यहाँ पे भी वही डिजाइन हम रिपीट करेंगे। देखिए दोस्तों तो हमने एक लिया था, उसके बाद हम ये तीन दबाकर ये तीन उठाएंगे, देखिए, और यहाँ पे भी इस तरह से तीन लिए और तीन छिपाएंगे, यहाँ पे भी देखिए आप, देखिए तीन उठे। देखिए दोस्तों तीन कपल नीचे रखेंगे और तीन कपल उठाएंगे, देखिए, और उसके बाद एक कपल को नीचे रखेंगे, तीन उठाएंगे, फिर तीन नीचे छिपाएंगे, तीन उठाएंगे, तीन नीचे, फिर एक कपल, तीन नीचे, तीन ऊपर, तीन नीचे, तीन ऊपर, और एक कपल नीचे, फिर तीन ऊपर, तीन नीचे, और इस तरह से। देखिए दोस्तों ये फूल आधा बन चुका है, देखिए दोनों तरफ, देखिए दोस्तों हम सेंटर आ गया है जो फूल बना रहे हैं उसका। अब यहाँ से ये जो सेंटर है यहाँ से अब उसको इस तरह से मोड़ देना है, ये जो सेंटर वाला भाग है, अब के जो आगे डिजाइन होगी उसमें इसकी कॉपी करना है, बाद में इसकी कॉपी करना है, फिर इस तरह से आगे बुनाई करके ये जो इस तरह लग गई है इस तरह से मुड़ जाएगी और यहाँ पर भी अलग डिजाइन आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि इस तरह का फूल किस तरह से बनाया जाता है।
मेरे प्यारे कला प्रेमियों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और आपको ये जो काम करके बताया है किस तरह से फूल बनाया जाता है, आपको ये काम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना अपना मंतव्य जरूर देना। दोस्तों अब मिलेंगे हम अगली डिजाइन में। अपना और अपनों का ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। जय हिंद।